सडनली अचानक आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हर्ड हियर इसका पास्ट टेंस हर्ड आई हर्ड मैंने सुना सडनली आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स मैंने गली के जो कुत्ते थे उनको मैंने सुना क्या सुना बार्किंग भौंक रहे थे दो सेंटेंस हो गए एक हर्ड सुना और दूसरा बार्किंग क्या कर रहे थे बार्किंग कंटिन्यूअस टेंस है बार्किंग भौंक रहे थे द डॉग्स वे आर बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस कुछ फासले के पर भौंक रहे थे पहले वाला जो सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का है दूसरे वाला जो सेंटेंस है कंटिन्यूअस है पास्ट टेंस का कंटिन्यूअस टेंस है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी जैसे इससे पहले एक सेंटेंस आया था वर्किंग पहले वाला सेंटेंस हमने देखे थे माई फादर वॉज वर्किंग फॉर ए प्राइवेट कंपनी है ना इसी तरह से इफ द डॉग्स वे आर बार्किंग भौंक रहे थे पहले सेंटेंस था हर्ड आई हर्ड फिर बार्किंग क्या क्या सुना बार्किंग भौंक रहे थे द डॉग्स वे आर बार्किंग भौंक रहे थे कैसे भौंक रहे थे फ्यूरियसली भौंक रहे थे बहुत ज़्यादा गुस्से में भौंक रहे थे एडवर्ब फ्यूरियसली भौंक रहे थे इन द डिस्टेंस कुछ फासले के ऊपर इन द डिस्टेंस द डॉग्स वे आर बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस कुछ फासले के ऊपर भौंक रहे थे ये ही आई हर्ड मैंने सुना राइटर कहते हैं आई चूज टू इग्नोर आई चूज सिंपल पास्ट इन द सी एच डबल ओ इससे पहले हमने नज्म पढ़े उसमें भी ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया था चूज इसका पास्ट टेंस बनता है चूज आई चूज मैंने चुना टू इग्नोर ये क्या है इन्फिनेटिव वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है इग्नोर यानी नज़रअंदाज करना आई चूज टू इग्नोर यानी मैंने ऐसा चुना कि मैंने ऐसा सोचा कि मैं इसको नज़रअंदाज कर दूँ आई चूज टू इग्नोर द कमोशन कमोशन का मतलब बहुत ज़्यादा जो हंगामा हो रहा था कुत्तों के भौंकने की आवाज़ जो आ रही थी ना तो जो चिड़ियों की और जो परिंदों की जो ऊपर बताया गया है काइट की जो श्रील आवाज़ जो थी कौ की क्रॉ जो थी और जो परिंदों की जो चहचहाट थी वो तमाम चीज़ों को उसने फिर वो उसको इग्नोर करना चाहा थिंकिंग सोचते हुए ये सोचते हुए क्या डेट द पैक ऑफ डॉग्स जो ग्रुप ऑफ डॉग इससे पहले वर्ड इस्तेमाल किया ग्रुप यहाँ पर पैक यानी ग्रुप पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर कॉर्नर का मतलब होता है कोना लेकिन यहाँ पर जो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया इससे पहले वर्ड आया था हाउस घर ये नाउन था कॉर्नर कोना ये जो है ये एडवर्ब कॉर्नर यहाँ पर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया कॉर्नर यानी घेर लेना जो पैक ऑफ डॉग्स था उन्होंने क्या किया था घेर लिया था माइट ये इम्कान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है माइट जैसे हम बोलते हैं ना बरसात होंगी शायद ऐसा होगा तो उसने भी तस्वूर किया बैठे बैठे कि माइट हैव कॉर्नर शायद उसे घेर लिया होगा किसको घेर लिया होगा आ हैपलेस पिक हैपलेस का मतलब होता है बदकिस्मत जिसका कोई सहारा ना हो जिसका कोई मददगार ना हो उसको बोलते हैं हैपलेस यानी बदबख्त बदकिस्मत जिसको हम बोलेंगे तो हैपलेस अ पिग पिग यानी सुअर यानी वो जो गलियों कूचों में घूमते रहते नाली में घूमते रहते बाहर घूमते रहते उसको कुत्तों ने घेर लिया होगा ऐसा राइटर ने सोचा बट सोन लेकिन बहुत जल्द बट सोन द बार्किंग अब ये जो बार्किंग तो जो भौंकना तो इसको अब यहाँ पर एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है द बार्किंग बिकेम लाउडर यानी जो उनका भौंकना था उनकी जो आवाज़ जो थी वो बिकेम लाउडर और ज़्यादा होती गई बिकेम लाउडर ज़्यादा से ज़्यादा होती गई एंड मोर एग्रेसिव और ज़्यादा बढ़ गई यानी बहुत ज़्यादा ऐसा बढ़ गया जैसा अब हमला हो रहा हो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने वाला जहाना बढ़ गया हो एग्रेसिव हो गया बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक उमंग बढ़ गई एंड द अलार्म अलार्म भी एक नाउन है अलार्म जिसको हम अलार्म बोलते हैं नॉर्मली तौर पर अलार्म यहाँ पर आगाह कर देना इन्फॉर्म कर देना तो उसके एक आगाह कर दे उसको एक द अलार्म केविंग ऑफ अ फ्लॉक क्यों केविंग ऑफ ए फ्लॉक ऑफ क्रॉस ये क्रॉस जो कौ का जो चिल्लाना था उन्होंने एडेड टू द कैकोफोनी एडेड अब ये कौ के चिल्लाने भी एक तो कुत्तों के भौंकने भी और इसके कौ के चिल्लाने भी कैकोफोनी का मतलब होता है इसका बहुत ज़्यादा शोरगुल होना बहुत ज़्यादा आवाज़ को इसने ऐड कर दिया यानी बहुत ज़्यादा कुत्तों का भौंकना इनका इनका बहुत सारी आवाज़ होने इसको बहुत ज़्यादा जो हंगामा था उसको और ज़्यादा मजीद कर दिया आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टेंस अप्रोचिंग क्लोजर अब जो आवाज़ जो थी वो डिस्टेंस जो तो फासला जो दूर था लेकिन वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा करीब हो रहा हो आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टेंस अप्रोचिंग क्लोजर अप्रोच यानी पहुँचने आना यानी जो आवाज़ जो थी वो मेरे करीब से करीब आ रही हो ऐसा राइटर ने महसूस किया क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी
क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी। अब ये क्यूरियोसिटी का मतलब होता है वो जुस्तजू, क्यूरियोसिटी। यहाँ पर एक और फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है, गेट द बेटर ऑफ, गेट द बेटर ऑफ, जी टी, गेट द बेटर ऑफ, गेट द बेटर ऑफ, ये भी एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है किसी के ऊपर हावी हो जाना, ओवर पावर हो जाना, किसी को स्किल्स दे देना, डिफीट कर देना, किसी को अपने काबू में ले लेना, इसको बोलेंगे गेट द बेटर ऑफ। तो जो आवाज़ें जो थी वो क्यूरियोसिटी जो जुस्तजू उसके दिमाग में पैदा हो चुकी थी कि क्या हो रहा है, उसको देखकर आना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें से क्लोजर हो रही थी, अप्रोच हो रही थी, तो ये जुस्तजू जो थी क्यूरियोसिटी थी तो इसके ऊपर हावी हो गई, यानी उसको मजबूर कर दिया क्या वो किताब को रख दे और जाकर देखे क्या वहाँ पर क्या हादसा हो रहा है, क्या बातें हो रही है, काय का शोरगुल हो रहा है। तो क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, यानी मजबूर हो गया वो उठने के लिए। लीविंग द बुक, लीव का मतलब होता है छोड़ना, लीविंग द बुक, बुक को रखते हुए, यानी रखने के लिए इस्तेमाल किया, लीविंग द बुक असाइड, किताब को बाजू में रखते हुए, है ना, बोलते ना खेलते हुए दौड़ते हुए, तो लीविंग द बुक असाइड। आई रश, रश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रश करना, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं रश, यानी बहुत जल्दी से जाना, बहुत स्पीड से जाना, बहुत जुस्तजू के साथ में जाना। आई रश्ड टू द वरंडा, उसका जो वरंडा था, जिसको हम आंगन कहते हैं, उसका घर का जो आंगन होता है, वो वहाँ पर गया, वरंडा में गया। टू सी, देखने के लिए, व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, गोइंग ऑन, ये भी एक फ्रेज है, गो ऑन यानी जारी रहना, जी ओ, गो ऑन, जारी रहना, कंटिन्यूसली, ये भी एक फ्रेज है, गो ऑन, गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, व्हाट वाज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। तो ये देखने के लिए राइटर जो है वहां पर उठकर गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई ग्लेंस्ड टू द रूफ ऑफ द क्लब हाउस। ग्लेंस का मतलब होता है नजर रखना, नजर डालना। आई ग्लेंस्ड टूवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाउस, का जो क्लब का जो हाउस था उसके ऊपर उसने, रूप के ऊपर उसने ऊपर देखा। एंड सा समथिंग हॉरिबल, सिंपल पास्ट टेंस है, पहले वाला भी सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का, ग्लेंस्ड, ग्लेंस, ग्लेंस्ड, इसी तरह सी का पास्ट टेंस होता है सा। आई ग्लेंस्ड एंड आई सा, मैंने नजर रख, नजर दौड़ाई, आई ग्लेंस मैंने नजर, ग्लेंस का मतलब होता है देखना, नजर रखना। आई ग्लेंस्ड टूवर्ड्स द रूफ ऑफ द क्लब हाउस एंड सा समथिंग हॉरिबल, हॉरिबल यानी एडजेक्टिव, खौफनाक तरीका, एक चीज़ देखी, क्या देखा, अ बिग मेल लंगूर, बिग एडजेक्टिव है, बिग मेल लंगूर, एक बहुत बड़ा मेल जो था लंगूर, बंदर जो था, अपेरेंटली द लीडर ऑफ इट्स ग्रुप, ऐसा लग रहा था कि वो जो ग्रुप है उनका, जो उनका एक वो लीडर था, अपेरेंटली द लीडर ऑफ द ग्रुप, वाज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हैंड्स, वाज होल्डिंग पकड़ रहा था अ बेबी लंगूर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वाज होल्डिंग अ बेबी लंगूर इन हिज हैंड्स एंड मर्सीलेसली, देखो हमने देखे थे इससे पहले प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो वर्ड्स है, इसी तरह से मर्सी का मतलब होता है रहम, लेकिन इसमें एल ई डबल एस लगाने से बन गया वो सफिक्स बन जाता है, मर्सीलेसली, बेरहमी के साथ में, मर्सी रहम करना, मर्सीलेस यानी बेरहमी, इसी तरह वो बन गया प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स बन गया, मर्सीलेस एडवर्ब बन गया। मर्सीलेसली बीटिंग, बाइट का मतलब होता है काटना, बाइटिंग, मर्सीलेसली बाइटिंग, काट रहा था। इट ऑल ओवर, इट ऑल ओवर पूरे जिस्म के ऊपर, विथ अ डिफिनेट इंटेंट टू किल, विथ डिफिनेट इंटेंट टू किल यानी पक्का इरादे से, ऐसा उसका पक्का इरादा था, डिफिनेट यानी यकीनी तौर पर उसका ये इरादा था कि उसको जान से मार डालेंगे, टू किल, मारने के इरादे से उसको काट रहा था, ऐसा नहीं जख्म पहुँचाने के हिसाब से नहीं, थोड़ा पनिशमेंट देने के हिसाब से नहीं, ऐसा उसका इंटेंट था, ऐसा उसका इरादा था, डिफिनेट पक्का इरादा था, जो राइटर जो देख रहा था कि पक्का इरादा उसका ये था कि उसको जान से खत्म कर डालेंगे, ये इरादे से मार रहा था। द हेल्पलेस मदर, दी हेल्पलेस, ये भी हेल्प यानी मदद करना, एक और वर्ड आ गया हेल्प, मदद करना, लेकिन फिर ऐसे लगा, इसी तरह हमने देखे थे मर्सी, मर्सी इसमें लेस है, मर्सीलेस है, इसी तरह हेल्पलेस, जिसकी कोई मदद ना करने वाला हो, हेल्पलेस, बेमदद होगा, हेल्पलेस, उसकी जो माँ थी वो हेल्पलेस मदर जो थी, हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी एंड अदर लेजर मेंबर्स, और दूसरे जो मेंबर थे उनके कुंबे के, बंदर के कुंबे के थे, तो लंगूर के, ऑफ द लंगूर ग्रुप, वेयर
स्केटर्ड, ये भी पैसिव वाइज है, वी आर स्केटर्ड, इससे पहले आता वी आर हाउस्ड, वाज ब्रोकन, वी आर स्केटर्ड, बिखरे हुए थे बहुत ज़्यादा इधर इधर, वी आर स्केटर्ड ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग नियर बाय, आस पास में जो था अलग अलग वहाँ पर बैठ गए, और क्या कर रहे थे, वॉचिंग द बेबी, वॉचिंग द बेबी, बेबी को देख रहे थे, बींग किल्ड, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है, बींग किल्ड, मरता, जो मर रहा था, उसको मारा जा रहा था, उसको मरता हुआ वो देख रहे थे, वॉस बींग किल्ड, जो उसको बंदर मार रहा था उसको वो देख रहे थे, ये भी टेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई रिकॉल्ड, रिकॉल का मतलब होता है याद करना, पुरानी चीज़ को याद करना, आई रिकॉल द ट्रिबल कस्टम्स, कस्टम यानी रिवाज, एक खौफनाक ट्रिबल कस्टम्स के जहन में आया, उसने याद किया क्या, इन द एनिमल्स, एनिमल के अंदर जो क्लेन का मतलब होता है, उनका जो फैमिली होती है बहुत बड़ी, कुंभा जो होता है उसके अंदर भी कस्टम्स होता है, तो उसको याद आया क्या, अकॉर्डिंग टू विच अ डोमिनेंट मेल, डोमिनेंट मेल जो पावरफुल, जो उनका जो लीडर होता है, मेल जो होता है, तो वो नहीं चाहता है, मेल यूजुअली डज नॉट अलाउ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो भी डज का इस्तेमाल किया जाता है, डज नॉट अलाउ, अलाउ यानी परमिशन देना, इजाजत देना, अनदर मेल, दूसरे मेल को, यानी ऐसा एक कुंभा बंदरों के अंदर, कुंभा लंगूर के अंदर, कि वो ऐसी परमिशन नहीं देता कि कोई भी दूसरा मेल लंगूर उनके खानदान में आए, डज नॉट अलाउ अनदर मेल बेबी और एडल्ट या फिर बड़ा टू सर्वाइव विद इन इट्स ग्रुप, यानी कि ग्रुप के अंदर कोई भी ऐसा मेल लंगूर और भी दूसरा आ जाए, वो वहाँ पर जिंदा रहे, वहाँ पर वो जीवित रहे, वहाँ पर अपना जिंदगी को कायम रखे, ऐसा उनके अंदर नहीं रहता हूँ, क्योंकि अगर वो रहेगा तो उनके ग्रुप में फिर वो लीडर बन जाएगा। इसी तरह हमने पुरानी जो हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें भी होता था कि बादशाह का अगर दो बेटे हो तो दो में से कोई एक बन जाता था बादशाह, तो दूसरे को वो सर्वाइव नहीं रहने देता था, उसको कत्ल कर देता था, ताकि वो आगे चलकर वो भी हुकूमत का दावेदार ना बन जाए। तो इसी तरह मेल लंगूर में भी होगा, शायद वो नहीं चाहता होगा कि ये जो मेल लंगूर जो अभी पैदा हुआ है, छोटा बेबी है, ये बड़ा होगा, शायद वो दावा ना कर दे लीडर का, इसी वजह से वो उसको वो जान से मार रहा था। विदाउट लॉसिंग एनी टाइम आई गेदर्ड, यहाँ गेदर्ड का मतलब होता है जमा करना, आई गेदर्ड जमा करना, लेकिन यहाँ पर गेदर्ड यानी लेना, आई गेदर्ड अ स्टॉट, STOUT, स्टॉट, स्टॉट का मतलब होता है मोटी लकड़ी, आई स्टॉट ए हेवी लकड़ी, स्टॉट हेवी, आई स्टॉट स्टिक, स्टिक एन लकड़ी, यानी मैंने हेवी लकड़ी ली, गेदर्ड का मतलब होता है लेना, मतलब गेदर्ड का मतलब होता है जमा करना, आई गेदर्ड आ स्टॉट स्टिक, मैंने मोटी लकड़ी उठाई या फिर ली, इन वन हैंड, एक हाथ में मोटी लकड़ी ली, एंड होल्ड, HURL, होल्ड का मतलब होता है फेंकना, थ्रो, एंड होल्ड अ पीस ऑफ स्टोन, और फिर जो पत्थर जो थे उस पर फेंके, यानी उसको मारे, होल्ड किए, मारे, एट द मेरुडिंग, MARAUDING, मेरुडिंग, मेरुडिंग यानी वो बंदर जो बहुत ज़्यादा हमलावर हो रहा था, जो मार रहा था उसको, उसको उसने मारे, मेरुडिंग, एडजेक्टिव मेरुडिंग लंगूर, द लंगूर वाज सो इन्फीरिएटेड। अब ये जो सेंटेंस है ये टू टू के लिए भी पूछा हमको जा सकता है, टू टू का यूज़ कीजिए, TW2 और TO2, सो डैट वाला सेंटेंस है, सेंटेंस है, द लंगूर वाज सो इन्फ्यूरिएटेड, ने इतना ज़्यादा गुस्से में था, डेट इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असल्ट, टुक नोटिस, ये भी एक फ्रेज है, ध्यान देना, टुक नो, टेक नोटिस, टुक नोटिस, हार्डली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, इट हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ माई असल्ट, असल्ट यानी हमला, जो ये राइटर जो उसके ऊपर हमला कर रहा था, कौन सा हमला कर रहा था, उसको पत्थर फेंक रहा था, होल्ड कर रहा था, और वो क्या कर रहा था, उसको मार रहा था, कैसे लकड़ी से, स्टॉट स्टिक से उसको मार रहा था, तो उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर असल्ट जो है, असल्ट ये भी एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पर नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया है, यहाँ पर वर्ब को नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, असल्ट, ASSAULT, असल्ट, यानी हमला करना, लेकिन यहाँ पर एक हमले के तौर पर इस्तेमाल किया, माई असल्ट, मेरे हमले के ऊपर उसने बहुत ही मुश्किल, यानी कुछ भी ध्यान नहीं दिया, वो इतना ज़्यादा अपने काम के अंदर इनग्रोस्ड था, लगा हुआ था। बट देन आई स्टार्टेड, लेकिन फिर आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन्स, फिर और भी उसने, अब यहाँ पर ऊपर इस्तेमाल किया द फूल, यहाँ पर थ्रो का इस्तेमाल किया गया, और ज़्यादा पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, सिंपल
पास्ट टेंस है, आई स्टार्टेड थ्रोइंग मोर स्टोन द डॉग्स ऑन देयर पार्ट, जो कुत्ते जो थे अब उन्होंने भी अपना हिस्सा पार्ट रेस्ट देयर पिच ऑफ क्राई, पिच PITC पिच, पिच का मतलब होता है वही श्रील आवाज़ यानी शिद्दत वाली आवाज़, कान में गूंजने वाली आवाज़ जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, द डॉग्स ऑन देयर पार्ट रेस्ट यानी उठाना, रेस करना उठाना, देयर पिच ऑफ कराई यानी कुत्तों ने भी अपनी बहुत ज़्यादा आवाज़ को भौंकना शुरू कर दिया और इस तरह मैंने भी हमला शुरू कर दिया, तो जिसकी वजह से वो यानी बहुत ज़्यादा आवाज़ और बढ़ना शुरू हो गई।